हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। तो गाइस, काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट आ रहा था कि सर आप अपने बगीचे के बारे में कुछ बताइए, सर आप अपने ऑर्चर्ड के बारे में कुछ बताइए। तो आफ्टर ऑल मैं आज अपने ऑर्चर्ड में आया हूँ। तो ये जो प्लांट है सारे ये फोर्थ ईयर प्लांट है और इनमें बहुत ही ज़्यादा क्रॉप लगा हुआ था, जिस करके क्या था कि मुझे थोड़ा क्रॉप इनमें से कम करना था, कुछ एक मुझे फल फ्रूट इनमें से निकाल देने थे, जिसे हम कहते हैं थिनिंग। होता क्या है कि जैसे कि मान लो हम किसी छोटे बच्चे के पीठ पे 20 किलो का कोई वेट उसकी पीठ पे लाद देते हैं, तो शायद वो बच्चा चल नहीं पाएगा, कुछ देर तो वो चलेगा, फिर उसके बाद वो हाँफ कर गिर जाएगा या थक जाएगा। तो ठीक उसी तरह से ये इस तरह के प्लांट भी होते हैं, इनमें अगर ज़्यादा क्रॉप होगा तो क्या होगा कि इनकी जो ब्रांचें हैं ये ब्रांचें टूट जाएगी, टूटने से फिर आपको पता है कि कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है किसी भी बागवान का, ये सभी जानते हैं। तो इस करके क्या होता है कि हमें थोड़ा सा इनमें जो अगर ज़्यादा क्रॉप लगा हो इन प्लांटों में तो हमें इन्हें निकाल देना होता है, कम करना होता है। जैसे कि मैंने ये जो ब्रांच देख रहे हो आप, इनमें मैंने गिन के रखे हैं 6 दाने, 6 इसमें रखे, 6 उस, मतलब 5-6 दाने ही रखे मैंने हर ब्रांच के ऊपर, ज़्यादा नहीं रखे। तो ये जो प्लांट देख रहे हो आप, इसे कहते हैं M7 का प्लांट, एप्पल रूटस्टॉक। और ये जो फ्रूट है इसे कहते हैं जेरोमाइन। और अगर मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ इस पोर्शन से, तो पता लग जाएगा कि इस पूरे ब्रांच में फ्रूट ही फ्रूट से लदे हुए थे ये। इसी एक पौधे से तकरीबन मैं कहता हूँ कि मैंने 80-90 दाने गिराए हैं, तब जाके इनका थोड़ा वेट जो है थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो ओवर क्रॉप लगने की वजह से क्या था कि फिर इनमें साइज नहीं बन पाता है। और तो जो ब्रांच होता है वी शेप का, उसके टूटने का आसार ज़्यादा रहता है, और अगर जो ब्रांच होता है थोड़ा सा स्ट्रेट, वो उसके टूटने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो जितना हो सके मैंने इनसे क्रॉप कम कर लिया है, इससे ज़्यादा मैं क्रॉप कम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आफ्टर ऑल इसका एक रिजल्ट भी देखना है कि ये किस तरह से सर्वाइव करता है और क्या साइज इसका बनता है। वो शायद मैं आपको नेक्स्ट मंथ एक वीडियो बनाऊंगा, शायद उसमें बताऊंगा सभी को कि क्या साइज इनका बना है और क्या नहीं बना है। अभी उन व्यूअर से कहना चाहूंगा जो बागवानी संबंध रखते हैं कि समर प्रूनिंग को आप बहुत ही ज़्यादा महत्व दीजिए। समर प्रूनिंग जो है आपके वो विंटर प्रूनिंग से ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है। समर प्रूनिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे एक तो क्या होता है कि बीमा जल्दी डेवलप होता है, और इसे यहाँ रखते दोस्तों, इसको हमेशा थोड़ा दूरी पे रखना चाहिए, बगीचे के बीच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बरसात तकरीबन स्टार्ट होने ही वाला है और इससे किसी भी तरह का एक फंगस पैदा हो सकता है ऑर्चर्ड के अंदर, और फिर कई तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाती है। यहाँ मैं थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी खाने की कोशिश करता हूँ। ये है जी स्ट्रॉबेरी, खा के देखते हैं कैसा लगता है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी के जो पौधे हैं ये मैंने 2-4 लगाए थे, लेकिन ये क्या है कि अपने आप फैलता रहता है, ज़्यादातर वाइट है, मुझे खाने रेड कलर के, जो रेड कलर दिख रहा हो रेड कलर ढूंढते हैं। वाइट कलर का क्या होता है कि थोड़ा सा खट्टा खट्टा तो होता है, इसे खा के देखते हैं। इसे खा के देखते हैं, तो ये थोड़ा सा लाल और सफेद मिक्स जैसा है, फिर खा के देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, हल्का खट्टा हटका, हल्का सा मीठा, स्ट्रॉबेरी में काफ़ी ज़्यादा में विटामिन होता है दोस्तों। जब कभी आपको स्ट्रॉबेरी वगैरह खाने का मौका मिले तो ज़रूर खाइए। तो दोस्तों ये है मेरा एप्पल ऑर्चर्ड, फोर्थ ईयर रनिंग, जितना मैंने होप किया था उससे ज़्यादा इस पर फ्रूट लगे हैं। और सभी को एक बात और मैं बता दूं कि
प्लांट से फ्रूट लिया जाता है, प्लांट से फ्रूट लिया जाता है, प्लांट हमें फ्रूट देता नहीं है, हमें उससे फ्रूट लेना होता है और लेने के तरीके होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए सभी बागवान, सभी जो बागवानी जो कर रहे हैं वो भी, जो बागवानी नहीं कर रहे वो भी, कि प्लांट से फ्रूट लिया जाता है, प्लांट फ्रूट हमें देता नहीं है। जब कोई छोटा प्लांट हो तो उस टाइम कम फ्रूट लेते हैं, या कोई प्लांट ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम उसी हिसाब से फ्रूट लेते हैं। तो प्लांट के हिसाब से ही फ्रूट लिया जाता है कि प्लांट कितने साल का है, ये प्लांट मेच्योर है या नहीं है, तो उसी तरह से फ्रूट लिया जाता है। तो जब कोई भी कोई इंसान अपने बगीचे की तरफ आता है या अपने उस जगह पे जाता है जहाँ उसने मेहनत कर रखी होती है और उसका जब उसे रिजल्ट दिखता है तो मन में बहुत खुशी मिलती है। तो वो मुझे खुशी आज मिल रहा है और शायद आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि गांव में जब हम खेतों में निकलते हैं तो सुबह थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है, क्योंकि दिन को थोड़ी सी ह्यूमिडिटी वाला थोड़ा गर्मी हो जाती है, जिसे कहते हैं वो चिपचिपापन सा हो जाता है गर्मी। मतलब होता क्या है कि पहाड़ों में वैसे तो ठंडी हवा चलती है, लेकिन बरसातों में क्या होता है कि खेतों में, खासकर खेतों में जब धूप पड़ती है और जब ये घास में से, मतलब एक उमस से निकलता है, उमस जिसे कहते हैं हम, धुंध टीम जैसा, उससे बड़ा भारी पसीना आता है और बहुत ही मतलब गर्मी से फील होता है। तो इस करके क्या होता है कि बगीचे में सुबह जल्दी निकला जाता है, तो सुबह जल्दी आने के कारण मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो ये एक रोटी, सूखी रोटी और ये सब्जी है, लिंगड़ का सब्जी, हमारी पहाड़ी भाषा में इसे लिंगड़ कहते हैं और शायद शहरों में तो ये नहीं मिल पाता होगा। ये भी, ये जो सब्जी है दोस्तों, ये भी जंगल में पाया जाता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक विदाउट केमिकल, तो मतलब सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ये। तो शायद अगर आपके इलाके में, शहरों में भी अगर इस तरह की सब्जी प्रोवाइड हो जाए जिसे लिंगड़ कहते हैं, तो ज़रूर खाइएगा, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होता है। तो गांव में जब हम खेतों में काम करते हैं तो इसी तरह खाया पिया जाता है, सभी जानते होंगे जो कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, जो बागवानी कर रहे हैं, सभी जानते होंगे कि इस तरह का सिचुएशन अक्सर गांव में देखने को मिलता है, हो जाता है। मेरे कई व्यूअर्स को मुझसे शिकायत थी कि आप जब भी कहीं जाते हो घूमने, अकेले ही जाते हो, साथ में कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो आज जो है मेरे साथ वो है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी कि हमारी अर्धांगिनी। ये कैमरा है इसके लिए इतना फ्रेंडली नहीं है जितना कर मैं हूँ, तो चलो हो जाता है कई बार, सभी साथ ऐसा।